मैं फिर वापस आया एक अपडेट दिखाने आपको। क्लाइमेट चेंज की नई अपडेट आई है जिसके अंदर विंटर, उन्होंने विंटर कर दिया है, विंटर की अपडेट है जिसके अंदर बर्फ़ सी आ गई है बेसिस के अंदर, और कुछ क्लैन गेम्स आए हैं आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे कि ये आप बेस, जैसे ही आप क्लैश ऑफ क्लैन लोड करेंगे ये क्लैश ऑफ क्लैन गेम पर आएगा। क्लैश ऑफ क्लैन गेम्स अभी शुरू हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मेरे क्लैन का नाम आ गया और ये चैलेंजेस यहाँ पर शो नहीं हो रहे, आ गए चैलेंजेस। अब इसमें चैलेंजेस आ गए हैं जैसे कि ये, अब मुख्तलिफ चैलेंजेस है। ईगल आर्ट्री है जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, उसने बोला कि ईगल आर्ट्री 3 आप डिस्ट्रॉय करोगे मल्टीप्लेयर बैटल में, हमें एसपी टाइप कुछ मिलेंगी। आपने अगर क्लैश रॉयल खेली हो तो उसमें भी कुछ इस तरह के चैलेंजेस हैं जो कि आते रहते हैं और जाते रहते हैं, तो ये भी कुछ दिन 1 घंटा 20 मिनट तक चला जाएगा, 1 दिन 20 घंटे तक चला जाएगा। तो मैंने एक चैलेंज अभी कंप्लीट किया था तो अब हम नया चैलेंज सेट कर लेते हैं जैसे कि कुछ भी हो माइनियन, जैसे कि एंसिक स्टार फ्रॉम द मल्टीपल बैटल यूज द 30 माइनियन। ये तो मेरे पास इतने अभी हैं नहीं, तो आर्चर के अंदर 30 आर्चर यूज़ करना पड़ेंगे, वो भी नहीं है। जायंट भी नहीं है, कुछ और ढूंढ लेते हैं। जायंट भी नहीं, आर्चर क्वीन दर्शा है, 3 आर्चर क्वीन आर्टर मल्टीप्लेयर बैटल, 3 आर्चर क्वीन उड़ान, ये देख लेते हैं। 15 गोल्ड माइन इन मल्टीप्लेयर बैटल, ये हम कर सकते हैं। चलते हैं हम ये कर लेते हैं पहले, जैसे कि अभी ये खुलेगा यहाँ पर जाएंगे। वैसे ये 2 मल्टीप्लाई ये उड़ानी है, 40 मिलेंगी इसकी, 80 मिलेंगी इसकी, 40 इसकी ज़्यादा। तो हम आपको दिखाने के लिए पहले ये ही कर लेते हैं, तो हम ये शुरू करते हैं, चैलेंज स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हो चुका है जैसे कि ये दिखाएगा, ये हो गया ट्रैश मतलब ख़त्म कर देंगे इसको। अब 15 हमने उड़ानी है, तो हम एक्सपो भी था अगर हम कर लेते तो, लेकिन चलें हम पहले इसको करके देख लेते हैं। इस वक्त मेरे पास आर्मी है लावालून, तो क्लैन के अंदर देख लें क्लैन कॉस्टर में अभी हमारे पास लावालून है, तो हम अटैक कर लेते हैं। एक अटैक के लिए आपको एक टिप बता दूं, आपको हमेशा याद रखना कि सबसे पहले क्लैन कॉस्टर के टूफ बाहर निकालते हैं, ये कभी मत भूलिएगा, क्योंकि इस वजह से आपका अटैक 100% वाला 0 भी हो सकता है। तो लूट अच्छी है, बहुत कुछ अच्छा है, तो हम इस पर ट्राई देते हैं क्लैन कॉस्टर। अब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इसकी क्लैन कॉस्टर खाली है, क्योंकि इसकी स्टोरेज खाली हैं, इसकी एसबो खाली पड़ी है, इसकी इन्फर्नो टावर खाली है देख सकते हैं आप भी, और क्योंकि ये काफ़ी देर से चला नहीं है अकाउंट इस वजह से। तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं लावालून स्ट्रेटेजी, ये टाइम भी शुरू हो गया तो हम शुरू करते हैं। कुछ लोग होते हैं पहले बलून छोड़ते हैं फिर लावालून छोड़ते हैं, लेकिन मैं पहले लावा छोड़ता हूँ फिर बलून छोड़ता हूँ, क्योंकि बलून काफ़ी सारे उसी काम होता है बलून से, बलून जब नहीं रहते तो वही दिक्कत होती है हमें, जैसे कि वही मुश्किल आती है ख़राब करेगी लावालून अटैक स्ट्रेटजी में, हर चुकी बहुत ज़्यादा नुकसान देती है, इसलिए उसको भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको देखूँगा मैं पहले ही अपनी क्वीन और किंग को छोड़ दिया आर्चर किंग को, जैसे कि देखिए अगर देख सकते हैं बलून भी ख़त्म हो गए हैं, लेकिन सारा डिफेंस भी ख़त्म हो चुका है। तो देख सकते हैं ये तो हमने सारा ही क्लियर कर लिया है। देखें और कितनी भी एबिलिटी यूज़ कर लेते हैं, जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर ये हो चला 96% डैमेज हो चुका है, अब ये 3 स्टार मिल गए। अब देखें एक ये 10 बेस्ट है, इसमें से कम 3, 6 या 7 गोल्ड माइन होंगे, वो तो हमें मिल गए। अब देख लेते हैं हमें कितनी मिली है,
जैसे ही आप बैटल ख़त्म करेंगे तो साथ लिखे भी आ जाती है वो चीज़, जैसे कि आ गई 7 थी 7 थी वो 7 7 गई। उसके अलावा आप जैसे कि देख सकते हैं मैं एक और आर्मी यही यूज़ करूँगा, क्योंकि ट्रेन में वही आर्मी आएगी जो प्रीवियस आर्मी जो आप यूज़ कर चुके हैं, तो मैं यही ट्रेन कर लेता हूँ क्योंकि ये अच्छी आर्मी है मेरे हिसाब से। हर किसी का अपना अपना हिसाब होता है। इसी तरह अब आप देख सकते हैं जैसे कि ये हमने किया, ये क्लिक किया, अब आप देख सकते हैं हमने टोटल हमारा भी 1 पर है, यानी 1000 जब हम करेंगे तो हमारा 2 लेवल पे चला जाएगा। ये कुछ देर के लेवल हैं क्लैन गेम्स में, 1 दिन 20 घंटे के लिए कुछ मैक्सिमम लेवल जाएंगे, बहुत कुछ जाएगा। मैं 100 स्कोर पहले ही कर चुका हूँ, एक चैलेंज मैंने कंप्लीट किया बिल्डर बेस में जाकर, और इसके अलावा 200% डैमेज किया ओवरऑल, और इस वजह से एक तो मुझे 100 मिल चुका है। अब देखेंगे तो यहाँ पर मुझे 80 मिलेगा। ओके तो रिवार्ड्स में आप देख सकते हैं रिवार्ड बहुत कुछ मिलेगी रिवार्ड्स में हमें, जैसे कि अगर देखें अगर हम 1 पर रहे तो हमें ये कुछ इतना मिलेगा, 2 स्पेल विद ये चीज़ें, 1220 जेम मिलेंगे, ये 50 जेम, 2400 वो, और 480,000 गोल्ड। तो देखें हम किस लेवल तक जाते हैं, अभी मैं आपको दिखा दूँ क्लैन में सबसे ज़्यादा हर्ष किंग अभी तक सबसे ज़्यादा एक्सपी ले चुका है, और उसके बाद डीप पैटेल और मैं तीसरे नंबर पर। तो मेरा जैसा कि अकाउंट है रोमन, क्योंकि अभी वहाँ से मैंने शुरू नहीं किया, इस वजह से वो दिखा नहीं रहा, डिस्प्ले नहीं हो रहा। इसके बाद मैं वालक्री करूँगा, वालक्री में यूज़ आइड वालक्रीज एंड 6 स्टार फ्रॉम मल्टीपल बैटल, या ये भी कर सकता हूँ, वो कर लूँगा, वो देख कर लूँगा। इसके अलावा अब इस अपडेट के अंदर उन्होंने एक चीज़ नई दी है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनर ये आ गया, हाउस ऑफ स्पेस 5 लेता था, अब ये 6 ले रहा है, माइनर की हाउस ऑफ स्पेस बढ़ा दी है इन्होंने। इसके अलावा माइनर की इन्होंने कुछ इम्प्रूव की है, हिट पॉइंट 550 कर दिया है, डैमेज पर सेकंड इम्प्रूव किया है थोड़ा सा शायद, और इसके अलावा ब्रीज स्पेल हील स्पेल जो था ये इन्फर्नो टावर पर काम नहीं करता था, लेकिन अब ये इन्फर्नो टावर पर वही काम करेगा। जब इन्फर्नो टावर हमारे ट्रूप को हिट कर रहे होते थे तो हील स्पेल डालने से भी पावर ना बढ़ती थी ना उतनी रहती थी, बल्कि कम होती रहती थी, यानी हील स्पेल काम ही नहीं करता था। मैं रिक्वेस्ट दे दूंगा 1 मिनट और कुछ सेकंड के बाद। इसके अलावा क्लैन गेम बहुत लग रहा है, मज़ा आएगा क्लैन गेम में, चले हम खेलते हैं और देखेंगे फिर। 10 आवर्स की मेरे पास अभी शील्ड भी है तो देख सकते हैं आप। और इसके अलावा डार्क मैंने वालक्री अपग्रेड कर रहा हूँ, उसको मैं मैक्स करूँगा, फिर इसके बाद गोलम मैक्स करना है, आहिस्ता आहिस्ता सारा बेस मैक्स करना है। मैं आपको एक और टिप दे दूँ, आप कभी भी टाउन हॉल को आप फुल मैक्स किए बगैर अपग्रेड ना करें, वाल थोड़ी सी रह जाए मैक्स होने में तो आप टाउन हॉल लगा के वो वाल पूरी कर लें, लेकिन वाल छोड़ना, वाल करके अगर टाउन हॉल करते हैं तो वो और भी अच्छी बात है। तो इसके अलावा यहाँ से मैंने ये चैलेंज किए थे कुछ, मेरा ये बेस छोटा है क्योंकि मैं उसको कम टाइम देता हूँ इस वजह से, तो वो मुझको हाई बोल रहा है तो मैं भी हाई बोल देता हूँ। तो फ्रेंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैंने आपको चैलेंज करना सिखा दिया और बाकी अपग्रेड आपको मैंने सब बता दी जो जो कुछ हुआ था इसमें, ही स्पेल माइनर्स जो मेन चीज़ थी, गेम्स आई, चैलेंज आए, अवार्ड मिलेगा, जैसे कि अवार्ड में हम यहाँ पर दे सकते हैं हमें मैजिक आइटम मिलेंगे, ये इनमें से वो तो क्लैंस की हमें उसके हिसाब से मिलेंगे जितने लेवल का क्लैन जाएगा। तो फ्रेंड अब आप चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और आपके लिए मैं अच्छा लेके आऊँगा। आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, और आपका शुक्रिया, थैंक यू।